इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फ्रेंड्स कि आप दोस्तों आई क्यूब जेड सिक्स लाइट 5G के मोबाइल फोन में नोटिफिकेशन मेथड का आप सेटिंग कैसे कर सकते हैं, मतलब सेटिया चेंज कैसे कर सकते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या शो करना चाहिए, नंबर या आइकॉन्स या कुछ नहीं। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको आई क्यूब जेड सिक्स लाइट 5G मोबाइल फोन के सेटिंग्स में जाना होगा। और जब आप सेटिंग्स में जाएंगे तो सेटिंग्स में जाकर नीचे आना है, नीचे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें आप नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्टेटस बार का, स्टेटस बार पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ नोटिफिकेशन मेथड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब देखिए अगर आप यहाँ पर आइकॉन्स को सिलेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि आपको जिस ऐप से नोटिफिकेशन आता है उस ऐप का आइकन ऊपर यहाँ पर शो कर जाता है। जैसे मेरे फ़ोन में मैसेज से और स्क्रीन रिकॉर्डर दो नोटिफिकेशन है, तो उस दोनों ऐप का आइकन यहाँ पर शो कर रहा है। अगर आप यहाँ नंबर सेलेक्ट कर देंगे तो जितना नोटिफिकेशन आया होगा उतना नंबर यहाँ पर शो कर जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें 2 शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ से नोटिफिकेशन मेथड का सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप नन को सिलेक्ट कर देंगे तो किसी भी ऐप से कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो स्टेटस बार पर नहीं शो करेगा। इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं अपने आई क्यूब जेड सिक्स लाइट 5G के मोबाइल में। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा।